नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुष मंगल और स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यार से चैनल नो विद एएम में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो होगा एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स, मीटियोर्स, मीटियोरॉइड्स, बुलाइट्स और कॉमेट्स के बारे में। हम जानेंगे इनके बीच के डिफरेंसेस और इनके बारे में कई और हैरतअंगेज फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेसिक डिफरेंसेस से। दोस्तों, एस्टेरॉइड्स बहुत बड़े रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि स्पेस में सूरज के चक्कर लगाते हैं। इनका डायमीटर कुछ मीटर से कई सौ किलोमीटर तक हो सकता है। ये मोस्टली मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। दोस्तों, अगली है मीटियोरॉइड्स। मीटियोरॉइड्स भी एस्टेरॉइड्स की तरह ही हैं, बस फर्क इतना है कि इनका साइज काफ़ी छोटा होता है, आमतौर पर कुछ मिलीमीटर्स या सेंटीमीटर्स। ये भी स्पेस में सूरज के चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, यही मीटियोरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं तो एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन की वजह से जलकर खत्म हो जाते हैं। ऐसे में ये बहुत जोर से चमकते हैं और इन्हें ही हम मीटियोर्स कहते हैं। अगर यही मीटियोर्स पूरी तरह से जल नहीं पाए और अर्थ पर गिर जाएं तो इन्हें हम मीटियोराइट्स कहते हैं। और अगर यह मीटियोर्स पृथ्वी पर गिरने से पहले आसमान में ही एक्सप्लोड हो जाएं, यानी कि फट जाएं, तो इन्हें हम बोलाइट्स कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यह एस्टेरॉइड्स और मीटियोराइट्स आखिर बने कैसे। तो दोस्तों, इसके पीछे एक सिंपल सी थ्योरी है। साइंटिस्ट का मानना है कि सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स के बनते वक्त आपस में टकराव से और उथल पुथल से जो भी पत्थर टूट कर बिखरे वो एस्टेरॉइड्स बनकर सूरज के चक्कर लगाने लगे। दोस्तों, इन एस्टेरॉइड्स को तीन भागों में बांटा गया है, सी टाइप, एस टाइप और एम टाइप। सी टाइप का मतलब है कॉन्ड्राइट एस्टेरॉइड्स। ये क्ले और सिलिकेट से बने होते हैं, ये सबसे कॉमन होते हैं। फिर आते हैं एस टाइप। एस टाइप मतलब स्टोनी। ये एस्टेरॉइड्स सिलिकेट और निकल आयरन जैसे मेटल से बने होते हैं। तीसरा टाइप है एम टाइप, मतलब मेटालिक। ये पूरी तरह से निकल और आयरन से बने होते हैं। दोस्तों, हमारी पूरी एस्टेरॉइड बेल्ट में करीब 20 लाख एस्टेरॉइड्स हैं, जिनमें से 10 लाख से ज़्यादा एस्टेरॉइड्स को आइडेंटिफाई किया जा चुका है और नाम दिया जा चुका है। मीटियोराइट्स तो और भी कई ज़्यादा हैं। सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है सेरेस, जिसका डायमीटर करीब 950 किलोमीटर है। यह इसे ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दिलाने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, इनमें से कुछ एस्टेरॉइड्स के पास खुद के मून्स भी होते हैं जो कि इनके चक्कर लगाते हैं। और दोस्तों, कुछ एस्टेरॉइड्स कभी कभार अपने ऑर्बिट से डिस्टर्ब हो जाते हैं और सन की तरफ पड़ते हैं। ऐसे में ये पृथ्वी के भी काफ़ी पास से गुजरते हैं, तब हम इन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स या नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स कहते हैं। लेकिन चिंता मत करिए दोस्तों, ऐसे एस्टेरॉइड्स आमतौर पर पृथ्वी से करीब 5 लाख सालों में एक आध बार ही टकराते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्रेटर्स के बारे में। क्रेटर्स वो गड्ढे होते हैं जो कि मीटियोराइट के गिरने से बनते हैं। इनमें से कुछ फेमस क्रेटर्स हैं एरिजोना का मीटियोर क्रेटर, रेडफोर्ड क्रेटर जो कि साउथ अफ्रीका में है, और यूरेटन पेनिनसुला मेक्सिको में। यूरेटन पेनिनसुला मेक्सिको वही क्रेटर है जिसे डायनासोर्स के खात्मे का कारण माना जाता है। पूरी पृथ्वी पर ऐसे करीब 175 क्रेटर्स हैं जो कि हर साइज के हैं। दोस्तों, मार्स पर तो हर साल करीब 200 से ज़्यादा क्रेटर्स गिरते हैं और जुपिटर पर तो उससे भी काफ़ी गुना ज़्यादा। दोस्तों, ये एस्टेरॉइड सिर्फ मार्स और जुपिटर के बीच के एस्टेरॉइड बेल्ट में ही नहीं पाए जाते, करीब 10 लाख एस्टेरॉइड्स जुपिटर के ऑर्बिट में भी हैं। इन्हें हम ट्रोजन्स कहते हैं। ये सन और जुपिटर दोनों के ग्रेविटी से अफेक्ट होते हैं, इसलिए जुपिटर पर गिरते नहीं। ऐसे ही कई एस्टेरॉइड्स नेपच्यून के बाद क्यूपर बेल्ट और ऊर्ट क्लाउड में भी पाए जाते हैं। इन पर कभी और डिस्कशन करेंगे दोस्तों, इन पर रिसर्च अभी जारी है। दोस्तों, यही एस्टेरॉइड्स अगर काफ़ी छोटे हों तो इन्हें हम मीटियोराइट्स कहते हैं, जो कि आमतौर पर मीटियोर के रूप में पृथ्वी पर आते रहते हैं। कई सैटेलाइट्स और कई सालों के रिसर्चेस से साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया है कि आमतौर पर हर दिन करीब 5 से 300 टन मीटियोराइट्स पृथ्वी पर मिट्टी के रूप में गिरते हैं, जिसे हम कॉस्मिक डस्ट कहते हैं। दोस्तों, 2012 में रशिया के चेलियाबिंस नाम की जगह के ऊपर एक मीटियोर ब्लास्ट हुआ था, जिससे कई लोग घायल हुए थे और काफ़ी नुकसान हुआ था। इन्हें हम बोलाइट्स कहते हैं,
ऐसे बोलाइड्स बहुत आम हैं, पर क्योंकि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर फटते हैं इसीलिए हमें नीचे पता नहीं चलती। दोस्तों अब हम बात करेंगे कॉमेट्स की। ये मोस्टली आइस, डस्ट और पथरीले मटेरियल से बने होते हैं। एस्टेरॉइड्स और इनके बीच का मुख्य डिफरेंस यही है कि कॉमेट्स जब सूरज के पास आते हैं तो उनकी आइस, डस्ट, पार्टिकल्स आदि सब जल जाते हैं, जो कि पीछे एक बहुत सुंदर फ्लैश टेल बनाते हैं। साइंटिस्ट्स को अभी तक हमारे सोलर सिस्टम में केवल 4000 कॉमेट्स ही मिले हैं। हालांकि वो दावा करते हैं कि क्यूपर बेल्ट और उल्ट क्लाउड में ऐसे करोड़ों कॉमेट्स हैं। दोस्तों एस्टेरॉइड्स आमतौर पर लगभग सर्कुलर ऑर्बिट्स में सन के चक्कर लगाते हैं, लेकिन कॉमेट्स के ऑर्बिट्स बहुत लंबे इलिप्टिकल पाथ्स होते हैं। दोस्तों आपने हेलीज कॉमेट का नाम तो सुना होगा। ये हर 75 से 76 ईयर्स में अर्थ से दिखाई देता है। अगली बार इसको जुलाई 2061 में देखे जाने की उम्मीद है। दोस्तों यह तो था एक छोटा सा वीडियो एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स, मीटियोराइट्स आदि पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।